नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। जब जब फूल खिले, एक ऐसी रोमांटिक फिल्म जिसकी मर्मस्पर्शी कहानी, कानों में मिश्री घोल देने वाले गीत संगीत और जिसके कलाकारों के मन मोह लेने वाले अभिनय आज भी लोगों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। इस फिल्म ने न केवल उस समय की युवा पीढ़ी के दिलों में रोमानियत भरी, अपितु आज के युवा भी बड़े ही उत्साह से इस फिल्म की बातें कहते और सुनते हैं। आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में हम जानेंगे इसी फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सी अनसुनी और सच्ची बातें। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। परदेसियों से न अखियां मिलाना। तुम जैसे हो अच्छे, बहुत अच्छे, एक फूल की तरह। क्यों वंजपुर राजा, वंजपुर। टेडी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे आज ही जाना चाहिए। अब वो खुदा बात है ये ऐसी, जमाना नहीं मानता हमको तुम्हारा, दीवाना नहीं मानता। ना मैं गुलशन, ना मैं तारा, ना मैं काजल, ना मैं बादल, मैं हूँ साया। ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। अगर तुम मुझे जलील करके मुझसे शादी करना चाहती है तो ये शादी हरगिज नहीं। चली जा, गो बैक टू कश्मीर, गो बैक टू योर पीपल, गो बैक टू योर सोसाइटी, गो टू हेल। लाइमलाइट फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था चेतन खेड़ा ने तथा इसके निर्देशक थे सूरज प्रकाश। बात करें इस फिल्म के कहानी लेखक की तो वो थे ब्रिज कातियाल। 2 घंटे 27 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 5 नवंबर 1965 को। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म के कलाकारों से। इस फिल्म की मुख्य तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे नंदा, शशि कपूर, आगा, शम्मी, कमल कपूर, बेबी फरीदा, मृदुला रानी, प्रयागराज, टुनटुन इत्यादि। गानों के सभी वर्जन मिलाकर कुल 10 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिन्हें संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने तथा इनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के इन 10 कर्णप्रिय गीतों को अपनी सुमधुर आवाज से सजाया था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर ने। फिल्म के कुछ गाने उन दिनों के साथ साथ आज भी काफी लोकप्रिय हैं। ये गाने हैं अफू खुदा, एक था गुल और एक थी बुलबुल, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठी, ये शमा शमा है ये प्यार का, परदेशियों से ना अंखियां मिलाना इत्यादि। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 20 खास अननोन फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, फिल्म जब जब फूल खिले सन 1965 में आई सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे पायदान पर थी। इस फिल्म का कुल बजट था 20 लाख रुपए तथा इसने भारत में कमाए थे 2,70,00,000 रुपए। अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो इसने तकरीबन 5,50,00,000 रुपए का कारोबार किया था। फिल्म की बजट और कलेक्शन को देखते हुए इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कहा जाता है। अगर बात करें इस साल की 3 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर थी फिल्म वक्त, दूसरे स्थान पर थी जब जब फूल खिले तथा तीसरे स्थान पर थी फिल्म हिमालय की गोद में। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के लिए जब शशि कपूर को साइन कर लिया गया तो कई निर्देशकों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और अभिनेत्रियों ने फिल्म से मुख मोड़ लिया, क्योंकि उन दिनों शशि कपूर को एक फ्लॉप एक्टर समझा जाता था। एक समय तो ये भी कहा जाने लगा था कि शशि कपूर को हटाकर किसी बड़े अभिनेता को फिल्म में ले लिया जाए, पर फिल्म के निर्माता चेतन खेड़ा शशि कपूर के हुनर के प्रति आश्वस्त थे। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि 10 अलग अलग अभिनेत्रियों ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। खैर, अंत में नंदा ने ये फिल्म साइन की। नंदा और शशि कपूर इससे पहले 2 फिल्मों में काम कर चुके थे, पर दोनों ही फिल्में असफल रही थी। नंदा शशि कपूर के मुकाबले उन दिनों एक सफल अभिनेत्री हुआ करती थी, पर उन्हें अक्सर या तो हीरो की बहन के किरदार मिलते थे या तो दुखद भूमिकाएं ही मिलती थी। इस फिल्म में उन्होंने एक अमीर और आधुनिक लड़की का किरदार निभाया था, जो कि उनके इमेज के बिल्कुल उलट भूमिका थी। शुरू में फिल्म से किसी को भी बहुत अधिक आशाएं नहीं थी। खुद शशि कपूर को भी यही लग रहा था कि ये फिल्म पिट जाएगी, पर अंततः फिल्म गोल्डन जुबली साबित हुई। इस फिल्म के बाद शशि कपूर ने दर्जन भर फिल्में साइन कर ली थी। फैक्ट नंबर 3, फिल्म के गीतकार आनंद बख्शी इस फिल्म से पहले 1 दशक से ज्यादा समय तक संघर्ष करते रहे थे। वास्तव में आनंद बख्शी एक गायक बनना चाहते थे, जिसके चलते एक दिन वो घर से भागकर नौसेना में शामिल हो गए ताकि वो बम्बई आ सकें। उन्होंने 8 सालों तक नौसेना में काम किया और इसी दौरान गाने लिखने के
हुनर को तराशा। फिर नौकरी छोड़कर दादर स्टेशन पर बैठकर गाने लिखने लगे, पर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। भले ही उन्हें अपना पहला गीत लिखने का मौका मिला था सन 1958 में, पर उन्हें पहचान मिली थी फिल्म जब जब फूल खिले के गीतों से। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म के बाद मोहम्मद रफी शशि कपूर की आवाज बन गए थे। मोहम्मद रफी के जीवनी में यह जिक्र मिलता है कि शशि कपूर और नंदा के लगभग सभी फिल्मों में मोहम्मद रफी ने ही शशि कपूर को आवाज दी थी। फैक्ट नंबर 5, फिल्म के सर्वाधिक लोकप्रिय गीत परदेशियों से ना अखियां मिलाना गीत को पहले गायिका मुबारक बेगम के आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन ये वो समय था जब लता मंगेशकर के कारण बाकी गायिकाओं का प्रभाव फीका पड़ रहा था। रिकॉर्डिंग के बाद ये निर्णय लिया गया कि गीत को किसी बड़ी गायिका से गवाया जाए और बिना मुबारक बेगम को बताए उनके गाने को हटाकर ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड करवाया गया, जो फिल्म में शामिल किया गया था। फैक्ट नंबर 6, प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक प्रयागराज फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे। इस फिल्म के गीत हमको तुम पे प्यार आया की पंक्ति अफू खुदा इनके द्वारा ही गाई गई थी, जबकि बाकी पूरा गीत मोहम्मद रफी के द्वारा गाया गया था। इसके अलावा उन्होंने फिल्म जंगली का याहू और कुली का अल्लाह रखा पंक्तियों को भी अपनी आवाज दी थी, जबकि ये गीत क्रमशः मोहम्मद रफी और शब्बीर कुमार के द्वारा गाए गए थे। फैक्ट नंबर 7, जब जब फूल खिले अल्जीरिया और मोरक्को जैसे अफ्रीकी देशों में बेहद लोकप्रिय हुई थी और यहाँ शशि कपूर एक जाने पहचाने नाम बन गए थे। अल्जीरिया में इस फिल्म को लगभग प्रत्येक दिन ही कई सालों तक थिएटर में दिखाई जाती रही। फैक्ट नंबर 8, 1960 के दशक में आई 4 फिल्मों ने कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ये फिल्में थी सन 1961 की जंगली, 1964 की कश्मीर की कली, 1965 की जब जब फूल खिले और 1965 की ही जानवर। जब जब फूल खिले ने कश्मीर के शिकारा को बेहद ही लोकप्रिय बना दिया था। कई विचारक ये भी मानते हैं कि इस फिल्म में सभी कलाकारों को हिंदू दिखाया गया है, जबकि शिकारा चालकों की अधिकतर जनसंख्या मुस्लिमों की थी। कश्मीर में मुसलमानों को दिखाने का रिवाज 1990 के दशक में शुरू हुआ, जहां मुसलमानों को रोजा, दिल से और मिशन कश्मीर जैसी फिल्मों में चित्रित किया गया, लेकिन नायकों को फिर भी हिंदू ही दिखाया जाता रहा। फैक्ट नंबर 9, भले ही इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया, पर उस दौर के कुछ फिल्म समीक्षकों ने इस फिल्म की खूब आलोचना की थी। 1965 में छपी पत्रिका शंकर इलस्ट्रेटेड में इस फिल्म की समीक्षा में यह कहा गया था कि इसमें नंदा से ज्यादा खूबसूरत तो उनकी नौकरानी नजर आती हैं, और उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि इतनी बेकार फिल्म को किसी ने लिखने और निर्देशित करने का जहमत क्यों उठाया। फैक्ट नंबर 10, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से 30 साल पहले ही जब जब फूल खिले में ट्रेन वाले सीन को फिल्मांकित किया गया था, जहां नायिका नायक से मिलने के लिए ट्रेन के पीछे भागती है और नायक उसे ट्रेन के अंदर खींच लेता है। इस दृश्य की प्रेरणा निर्देशक सूरज प्रकाश को हॉलीवुड फिल्म लव इन द आफ्टरनून से मिली थी, जो कि अपने आप में एक उपन्यास पर आधारित थी। इस तरह से एक ही दृश्य कई अलग अलग दृश्यों के लिए प्रेरणा बनी। तो ये थी सन 1965 में आई बेहद ही लोकप्रिय फिल्म जब जब फूल खिले पर हमारी खास पेशकश का पहला भाग। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।